हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज बुक। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर 2022 कि 2022 में जो पेपर हुआ है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएससी फर्स्ट ईयर का, तो पेपर पैटर्न क्या है, पेपर का लेवल कैसा रहा, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेवल हार्ड है या फिर ईजी है, और इसी के बेस पे आप अपने जो कि पेपर होंगे उन पेपर का प्रिपरेशन कर सकते हो और क्वेश्चन पैटर्न देख सकते हो कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस बार। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक करिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बेल आइकन क्लिक करने के बाद उस पर ऑल पर क्लिक करना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है एक नया वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम बात कर लेते हैं वही सबसे पहले टाइमिंग की। यहाँ पर 3 घंटे लिखा हुआ है, पर वही आपका जो पेपर है वो 1.5 घंटे का है सेम। और यहाँ पर अधिकतम मार्क्स 33 हैं, तो वही 33 में से आपको 50% पहले 33 अटैम्प करना पड़ता था, अब 33 का 50% आपको अटैम्प करना है। अब हम बात करें फर्स्ट यूनिट, तो फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन दिया है आयनिक यौगिकों की विलयता एवं विलायक ऊर्जा को समझाइए, आयनिक यौगिकों की विलयता को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये 2 नंबर का आयनिक यौगिक की विलयता समझाने की ऊर्जा को समझिए 2 नंबर, और प्लस ये नेक्स्ट आगे वाले पार्ट की 5 नंबर, तो 7 नंबर का है। और ये बी में इसके अथवा में ये क्वेश्चन पूछा गया है, धात्विक बंध का बैंड सिद्धांत, बोर्न हैबर चक्कर और वंडरवाल बॉल्स, ये जो है 2-2 नंबर के हैं और ये 3 नंबर का है। तो ये भी वापस 7 नंबर का क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट से। अब सेकंड यूनिट में दिया है, सेकंड यूनिट में संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर सहसंयोजन बंध के सामान्य अभिलक्षणों की व्याख्या कीजिए, इस सिद्धांत की क्या सीमाएँ हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसके अथवा में अगर हम देखें तो अथवा में है द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण NF3 की तुलना में बहुत अधिक होता है, समझाइए। ये ए पार्ट में है, बी में दिया है CO तथा NO के लिए आणविक कक्षक चित्र बनाते हुए बंध क्रम, बंध लंबाई एवं बंध सामर्थ्य को समझाइए। तो ये बी में दिया है, यूनिट थर्ड में है, यूनिट थर्ड में एस ब्लॉक तत्व की विलाय प्रवृत्ति है, ज्वाला को रंग प्रदान करना और विकर्ण संबंध, इन पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है आपको। और इसके अथवा में भी अथवा में आया है पी ब्लॉक, एक्रिय युग्मक प्रभाव और इलेक्ट्रॉन बंधुता एवं विद्युतकरणता। और अगर हम बात करें यूनिट नंबर 4th की, तो ये दिया है डाइबोन की संरचना के बारे में आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, और बी में दिया है सिलिकेट क्या होते हैं, इनके वर्गीकरण एवं इन संरचना की विवेचना कीजिए। तो ये 4th यूनिट में है क्वेश्चन नंबर 7 ए और बी पार्ट। अगर हम इसके अथवा में देखें तो इसके अथवा में हमें दिया है यहाँ पर अंतर हेलोजन यौगिक और जिनान के यौगिकों में संरचना एवं बंधन। तो ये यहाँ पर 8th क्वेश्चन है यूनिट 4th का अथवा। और अगर हम बात करें यूनिट 5th की, तो यूनिट 5th में दिया है NP अनुपात के आधार पर नाभिक का स्थायित्व, द्रव्यमान क्षति और नाभिक की बंधन ऊर्जा। और इसके अथवा में दिया है नाभिक के संलयन न्यूक्लियोन के मध्य कार्य करने वाले बल और वर्ग विस्थापन। तो यहाँ देखो इस टाइप के ऑप्शन ज़्यादा ऑप्शन वाले, 3-3 के ऑप्शन में पूछा जा रहा है। तो ये है 5 यूनिट से, ये 5 यूनिट है यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर। पेपर पैटर्न आप देख सकते हो, ज़्यादा नहीं है, सिंपल पेपर आया है, बिल्कुल भी ईजी है, और हर 5 यूनिट सिंपल पूछी गई हैं। तो आप अपनी तैयारी इसके बेस पे इन क्वेश्चंस को भी आप करते हो तो आपके एग्जाम में यहाँ से कम 4-5 क्वेश्चन जो ए बी पार्ट में दिए हुए ना, इनको मिला के 4 या 5 क्वेश्चन, लगभग 4 या 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप इनको भी प्रिपेयर कर सकते हो अच्छे से। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, अगला आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।